तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आज का अपना ये सेकंड लेक्चर है ना, इसका मोशन अंडर ग्रेविटी का बेटा। कल हमने बेसिक देखा था, मतलब किसी बिल्डिंग से जब हम किसी बॉल को गिरा रहे थे तो कितनी देर में वो ग्राउंड को हिट करेगी, कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी, है ना, ये सब हुआ था अपना। हेलो, तो सपोज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ग्रेट हाइट। अच्छा एक बात है, अभी आज से आप लोग क्या करो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सभी सर, बच्चे करते हो? नहीं, यस सर, यस सर। तो आज से बेटा आप लोग अब साथ में लिखना चालू करोगे। क्लास में जो चल रहा है ना उसको साथ में लिखो आप लोग, ठीक है, कॉपी पे। अब वो स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लो, साथ में लिखते चलो। बोर्ड में लिखने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको, 2-3 मिनट रुकूंगा, ताकि आप लोग बोर्ड में जितना लिखा हुआ मैटर है उसको साथ में लिख लो, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में इसको फॉलो करो, जिससे आपको कॉपी में लिखने के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। और साथ में आपका जो रिटर्न वर्क है वो आपका साथ में होते रहे, ठीक है कि नहीं, समझ गए? रिटर्न वर्क आपका साथ में होते रहे, है ना, समझ गए? रिटर्न वर्क यस आपका सर, साथ में होते रहे, तो ये हमको करना है, भाई रिटर्न वर्क भी अपना साथ में होते रहे, इस तरह से करना पड़ेगा हमको, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में देखो, अभी मान लो हम बहुत हाइट से, ग्रेट हाइट से किसी बॉल को गिराते हैं। ग्रेट हाइट मतलब समझ गए, जैसे बहुत खूब हाइट से हम लोग एक बॉल को गिरा रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी, 2 सेकंड में कितना चलेगी, 3 सेकंड में कितना चलेगी, 4 सेकंड में कितना चलेगी, तो हम लोग एक इक्वेशन बना देते हैं यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? इक्वेशन हम लोग बना देते हैं कि इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकलता जाएगा। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड बाद कितनी होगी, 3 सेकंड बाद कितनी होगी, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि इनका ग्राफ कैसा आ रहा है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही देख रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल की केस स्टडी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, फ्री फॉल, समझ गए कि नहीं? फ्री फॉल, फ्री फॉल समझते हो कि नहीं समझते हो? किसको बोलते हैं फ्री फॉल हम लोग? फ्री फॉल का मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ, सर, फ्री, जहाँ पे केवल ग्रेविटी ही काम करती है और अदर फोर्सेस नहीं काम करते। हाँ फ्री फॉल मतलब जैसे आपने खूब ऊपर हाइट से, एफिल टावर से, खूब ऊपर हाइट से आपने बॉल को छोड़ दिया, वो बॉल क्या हो रही है, नीचे आ रही है गिर के। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देना, जैसा यहां पे है, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है। मैं राइट साइड पे डायग्राम बनाता हूं और लेफ्ट साइड पे हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो डायग्राम यहाँ पे राइट साइड पे देखो, ये हमने कुछ हाइट से ये बॉल को, ये पार्टिकल को गिरा दिया यहाँ से, ये टी इक्वल्स टू जीरो है बेटा, है ना, यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप किया। अब ये बॉल यहाँ से नीचे की तरफ आ रही गिरते हुए, समझ गए कि नहीं? नीचे की तरफ आ रही गिरते हुए टी इक्वल्स टू जीरो पे, तो एनी टाइम टी पर ये बॉल मान लो यहाँ कहीं पर आती है, एनी टाइम टी के लिए हम लोग ना इक्वेशन बनाते हैं, तो एनी टाइम टी पे यहाँ पे है, और ये जो मोशन हो रहा है, जहां से ये मोशन हो रहा है ना, ये ऐसा, इसको आपने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, इसको एक्स इक्वल टू जीरो कंसीडर कर लिया, जहां से ये मोशन स्टार्ट हो रहा है, समझ गए? जहां पर से ये मोशन स्टार्ट हो रहा है इसको एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये वाली जो पोजीशन, ये कौन सी कहलाएगी, एक्स कहलाएगी, आया ना, समझ गए? बॉल पे जो एसिलरेशन है, इट इज एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, जीरो। तो जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी भी है, ये निकालना हमको, ये वाली पोजीशन कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है, समझ गए? कोई डाउट यहाँ पर, कोई डाउट यहां तक डिस्कशन पे, कोई डाउट इस पे?
हेलो, जैसे ये बॉल को हमने यहां से गिराया, तो ये बॉल गिर के यहाँ पे आ रही, तो जब यहां से यहाँ पे आ रही तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी ये पोजीशन कितनी है, एक्स इसकी ये पोजीशन है, समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया? यस सर, है ना? तो अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे अभी इसको, तो इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले ना हम लोग वेलोसिटी की इक्वेशन देखते हैं. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वी इक्वल्स टू क्या लगाओगे, u प्लस ए टी लिखोगे कि नहीं? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्योंकि यहां से पूरा नीचे की तरफ ही जा रहा है, बहुत हाइट से आप गिरा रहे हैं. तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे के डायरेक्शन को क्या ट्रीट कर ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं कि भाई नीचे का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है. समझ गए? नीचे का डायरेक्शन हम लोगों ने क्या ट्रीट कर लिया यहाँ पर, पॉजिटिव ट्रीट कर लिया है. समझ गया बेटा? नीचे का डायरेक्शन हम लोगों ने पॉजिटिव ट्रीट कर लिया है. समझ गए कि नहीं? यस सर, है ना, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट कर लिया. अब क्या करेंगे आगे यहाँ पे, देखो u की वैल्यू कितनी है, जीरो, और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, और a की वैल्यू कितनी यहाँ पे, g इंटू t. तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे, जी टी. ठीक है, अगर हम यहाँ पे नाउ टेकिंग g इज इक्वल्स टू, कितना ले लू मैं यहाँ पे, नाउ टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो देयरफॉर वेलोसिटी की वैल्यू देखो, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड. फिर 2 सेकेंड में ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की वैल्यू 3 सेकेंड में कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 सेकेंड, कितना आ जाएगा बताओ जरा, 30 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे सिर्फ अब आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हो. समझ गए कि नहीं? सिर्फ वैल्यू पुट करते जाओ, आपके आंसर निकलते जाएंगे. और अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर दें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इधर पे टाइम टी ले लिए, इधर पे वेलोसिटी ले लिए मीटर पर सेकंड में, तो ये है 1 सेकंड, ये है 2 सेकंड, ये है 3 सेकंड, ये है 4 सेकंड. टाइम टी किसमें ले रहे हैं हम लोग, सेकंड में ले रहे हैं. ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है. टी इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0. 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 20. 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, 30. तो ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, हाँ या ना जवाब देना, ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन. समझ गए कि नहीं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. हेलो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, समझ गया बेटा? यस सर. ना, ये ग्राफ कैसा आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा ऐसा. क्लियर हो गया, कोई डाउट इस पे, यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट किसी को भी, यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट है क्या, यहां तक के डिस्कशन में कोई डाउट है क्या? हर सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है इसकी, हर सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी बढ़ती जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही है ना, हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10. और अगर ये बोल दिया जाए कि 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी का रेशियो कितना आएगा, तो रेशियो कितना रहेगा, वेलोसिटी का रेशियो कितना बनेगा यहाँ पे, 10 फिर 20 फिर 30, तो क्या बन रहा रेशियो, 1:2:2:2 कितना बन रहा है, ये 1:2:3. हाँ, रेशियो कितना बन रहा है, 1:2:3 का रेशियो बन रहा है. कॉन्सेप्ट समझ गया पूरा कि कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट समझ गए या डाउट है कुछ, कॉन्सेप्ट समझ गए या डाउट है, ठीक है. सो यहां से ये जो डिस्टेंस है, यहां से इतना t टाइम पे, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट s. तो सेकंड हम लोग देख रहे हैं यहां पे इक्वेशन ऑफ x, x मतलब क्या है यहां पर, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना.
तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा एक्स, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इज इट क्लियर बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है डेल्टा एक्स, ये फाइनल पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है यहाँ पर, इनिशियल पोजीशन है। समझ गए? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल हो गई। तो व्हाट इज फाइनल पोजीशन एक्स, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन जीरो। सो एस इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए इतना? समझ गए इतना? समझ गए इतना? यस सर। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू यू इज जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई आपकी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर के फॉर्म पे। ये x की वैल्यू निकल गई आपने, किस फॉर्म पे निकाल दी, हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्म पे निकाल दिए। यहाँ पे हम लोग g की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं, ठीक है, नाउ टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बताओ x की वैल्यू t इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, हाफ ऑफ 10 इंटू 1 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 5 मीटर। फिर 2 सेकेंड में कितना आ जाएगा, देखो जरा, हाफ ऑफ 10 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब 20 मीटर। फिर x की वैल्यू t इक्वल टू 3 पे देखो, हाफ ऑफ 10 इंटू 3 स्क्वायर, कितना हो गया 45 मीटर। समझ गए? अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे इधर पे x ले लिए हमने मीटर पे, इधर पे t ले लिए हमने सेकंड पे, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, और ये ग्राफ हम लोग इसको लेके करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, बट जो स्पेस है आप कितना भी बड़ा बोर्ड ले लो, क्योंकि 5 के बाद 45, मतलब पूरी कॉपी में भी आप अगर लिखोगे पूरा भर जाएगा ये, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरवल चलो 10 ले लिए, 20 ले लिए, 30 ले लिए, 40 ले लिए, 50 ले लिए, 60 ले लिए, 70 ले लिए, एक्सेट्रा ऐसा, ठीक है। और फ्री हैंड ज्वाइन करना, देखो टी की वैल्यू जीरो पे तो जीरो आएगा, फिर टी की वैल्यू 1 सेकंड में कितना आएगा, 5 यहां कहीं पे है, फिर 2 की वैल्यू पे 20 आ गया, t की वैल्यू 2 पे ये आ जाएगा 20, फिर 3 पे कितना आ रहा बेटा, 45 आ रहा है, एंड 45 समथिंग यहां कहीं पे आएगा। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा कैसा ग्राफ आ रहा है, किस तरह का नेचर इस ग्राफ का? हाँ बेटा, पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक ग्राफ। हाँ, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, हाफ जी टी स्क्वायर, और g की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं, g की वैल्यू जैसे 10 पुट कर दिए, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, इट इज 5 टी स्क्वायर के बराबर इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 टी स्क्वायर, और ये ग्राफ कैसा है यहाँ पे, इस ग्राफ का नेचर है पैराबोलिक। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे नीचे का डायरेक्शन आप कैसा ले लेते, नेगेटिव ले लेते, ये वाला डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते, तो ये ग्राफ कहाँ पे बनता है, ये ऐसा ऊपर चढ़ते हुए बनता है कि x एक्सिस नीचे जाता है और फिर ऐसा बनता है, कैसा बनता है ग्राफ, इसका पलट देते आप, ये वाले पोर्शन को पूरा ऐसा नीचे कर देते, ऐसे ही आता ना ग्राफ फिर। हेलो, बोलो जल्दी से। यस सर, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते, तो ये ग्राफ में ये ऐसा पलट देते आप, ऐसा पूरा ऐसा पलट देते, ऐसा घुमा देते, और ये ग्राफ बन जाता, है ना। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई आपको, कि कोई डाउट है, इक्वेशन समझ में आ गया या डाउट है कुछ, बोलो जल्दी से। इक्वेशन समझ में आ गया या डाउट है? सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, सो देयरफॉर वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास में जीटी, और पोजीशन की इक्वेशन क्या आ गई, हाफ जीटी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये हमने पिछले दो पेज में आपने लिखा है, कॉपी देखो पलट के, ये पोजीशन की इक्वेशन, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो। अब एक और टर्म है,
डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, इन सेकेंड सेकेंड, इन थर्ड सेकेंड. नाउ यहां पे एक और टर्म आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? Sn, Sn minus 1 equals to, लगेगा कि नहीं? Equals to फॉर्मूला कितना आएगा? U plus half of A into 2n minus 1. यही होता बेटा? बोलो जल्दी से, है ना? तो अब ये किसके इक्वल आएगा यहाँ पे? इसको ना मैं D लिख दूं यहाँ पे. D of nth लिख दिए हमने. And it is 0 plus half of, इसकी जगह पे आ जाएगा g, and it is 2n minus 1. So d of nth का मतलब, या capital D ले लो, differential वाला मत लो, है ना, d of nth मतलब हो जाएगा half of g into 2n minus 1. चलो अब देखो, first second में कितना distance cover होगा या कितना displacement आएगा. So d of फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का मतलब कहां से कहां तक होता है? जीरो सेकेंड से कितने सेकेंड के बीच का? फर्स्ट सेकेंड का मतलब वन सेकेंड, जीरो टू वन. तो हाफ ऑफ जी की वैल्यू टेन पुट कर दो, टू इंटू वन माइनस वन. ठीक है, यहां पे हम लोग जी की वैल्यू कितनी ले ले रहे हैं? टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ले रहे हैं, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए. तो ये कितना बच रहा बेटा यहाँ पे? फाइव बचेगा ये आंसर, हाँ या ना? फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फाइव सेकेंड. फिर सेकेंड सेकेंड में कितना हो रहा है? इन सेकेंड सेकेंड. सो इट इज हाफ ऑफ टेन इंटू टू माइनस वन, एंड इट विल बी फाइव इंटू कितना बचेगा यहाँ पे? थ्री. आंसर इज 15 meter. फिर थर्ड सेकेंड में देखो कितना जाएगा. थर्ड सेकेंड में फिर से, थर्ड सेकेंड में है ना, तो अगेन इट इज 5 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1. कितना बच रहा बेटा? 5 इंटू 3 टू द 6, 25 मीटर. फिर फोर्थ सेकंड के लिए देख लो जरा, तो 1 बाई 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1. कितना बचेगा यहाँ पे? 5 इंटू 4 टू द 8 में से बन गया, कितना आ रहा है? 7 मीटर. तो किस तरह से आ रहा है ये देखो यहाँ पे, 5 मीटर. फिर सेकंड सेकंड में कितना आया? 15 मीटर. फिर थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 25 मीटर. फिर फोर्थ सेकंड में कितना कवर हुआ? 35 मीटर. तो इनका रेशियो कितना बन रहा है? डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकंड इज टू डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड इज टू डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड इज टू so on equals to, क्या रेशियो आ रहा देखो यहाँ पे, पहले 5 है, फिर 15 है, फिर 25 है, तो क्या रेशियो बन रहा बताओ जरा यहाँ पे? 1:5:7:25:7 1:5:3:5 1:5:3:7 यही रेशियो आ रहा है कि नहीं? यस सर. क्लियर हो गया? मतलब एक सेकंड में, जैसे ये बॉल है ना, तो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 5 मीटर. उसके नेक्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड में कितना कवर करती है? 15 मीटर. फिर थर्ड सेकंड में कितना कवर करती है? 25. फोर्थ सेकंड में 35, ऐसा. अच्छा, एन सेकंड, जैसे अगर हम बोलें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड मतलब कहां से कहां तक आएगा? यहां से 4 सेकंड में कितना, यहां से 4 सेकंड में कितना, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, यहां से 4 सेकंड में कितना. तो 4 सेकंड में निकालना, तो कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे? यहां पे कर दोगे कि नहीं? है ना, अगर 4 सेकंड में निकालना है तो डायरेक्ट भाई यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1/2 10 * 4 का स्क्वायर, तो 5 * 16 80 मीटर हो जाएगा. तो 4 सेकंड में 80 मीटर है, और फोर्थ सेकंड में कितना है? 35. 4 सेकेंड, 0 से लेके 4 तक पूरा, 0 से लेके 4 तक पूरा 80,
लेकिन फोर्थ सेकंड में कितना 35, तो फोर्थ सेकंड का मतलब 0 से 3 और 0 से 4, तो 3 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ सेकंड बोलेंगे। एक और बात, नीचे के डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में बॉल जा रही है तो इसने इसका जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो एक ही बात होगा कि अलग अलग होगा, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट इस पे बोलो जल्दी से, इसकी सॉरी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लिया, एसिलेशन का ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पे जरा बताओ, एसिलेशन का ग्राफ टाइम के साथ में कैसा बनेगा, एसिलेशन का ग्राफ टाइम के साथ में कैसा बनेगा। नाउ दिस इज पेज नंबर 4, एसिलेशन का ग्राफ बेटा टाइम के साथ में कैसा बनेगा, एसिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हमने ऑलरेडी, तो इधर पे टाइम टी ले लिए और इधर पे एसिलेशन ले लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, कैसा आएगा ये ग्राफ पता नहीं, 1, 2, 3, 4 टाइम ले रहा है सेकेंड में, एसिलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है और ये वैल्यू कितनी लेना है, जी लेना है। तो एसिलेशन कैसा है यहाँ पे टाइम के साथ में, कॉन्स्टेंट है कि बदल रहा है, ये कॉन्स्टेंट है, जिसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, समझ गए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अगर मान लो नीचे का डायरेक्शन हम लोग कैसा लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लेते तो ये वाला ग्राफ कहाँ पे बन जाता आपका, नेगेटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बराबर है, समझ गए कि नहीं, ये वाला ग्राफ ऐसा यहाँ से पलट देते, अगर नीचे का डायरेक्शन माइनस लेते तो यहाँ पे माइनस, माइनस मतलब ये वाला ग्राफ कहाँ पे बन जाता आपका, नीचे बन जाता है, समझ गए बच्चों। हेलो यस ठीक है, ड्रॉ करो। नेक्स्ट आते अभी फ्री फॉल के बाद, अब इसमें नहीं है बेटा एस्केप वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन अभी नेक्स्ट स्टडी है, वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि हम बॉल को कैसा फेंक रहे हैं, अभी ये जैसे मेरे हाथ में बॉल है, हम लोग बॉल को कैसा फेंक रहे हैं यहाँ से, ऐसा सीधा ऊपर, है ना, तो ऐसा छोड़ने से ऊपर चली जाएगी बॉल, क्या बस ऐसा हाथ में रख दी चली गई ऊपर, कैसे कुछ जादू वादू होगा क्या, ऐसा नहीं लगता है ना, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, फेंकना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, समझ गए। yes. तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में हम लोग बॉल को ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, यहाँ पे सिचुएशन समझना, तो एक्चुअल में बॉल जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस भी आती है, लेकिन डायग्राम में हमको दो अलग अलग पाथ बनाने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो अलग अलग पाथ बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो अलग अलग पाथ बनाने पड़ेंगे। देखो यहां पर से ना ये बॉल इसी पाथ से जाएगी और फाइनली यहां पर रुकेगी और फिर वापस आएगी, समझ गए कि नहीं, इसी पाथ से आएगी, तो जैसे यहां पर ये इसकी वेलोसिटी है u, यहां पर से आपने थ्रो किया ग्राउंड से, यहां से ये थ्रो किए फिर ये ऊपर गई तो वेलोसिटी थोड़ी क्या होगी कम, और ऊपर जाके और कम होगी, यहां पे जाके क्या होगी इसकी वेलोसिटी फाइनली 0, उसके बाद क्या होगा बेटा बॉल क्या होगा बताओ, अभी डाउनवर्ड फॉल,
हाँ यहां से ऊपर जाएगी और फिर यहां से इसी पाथ से क्या होगी ये नीचे आएगी है ना, तब तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ अगर ऐसा एंगल बना के फेंकोगे तो फिर ठीक है ऐसा गिरेगी, जैसे फुटबॉल को हम लोग किक मारते हैं या बॉल को ऐसा फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसा थ्रो कर रहे हैं बॉल को ऐसा सीधा ऐसा ऊपर की तरफ, समझ गए। हेलो, तो बॉल यहाँ पे जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापिस आएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मान लो यहाँ पे हमने इसको कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए 30 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान ले यहाँ पे पहुंच के ये वेलोसिटी हो गई सपोज 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पहुंच के कितनी हो गई मान लो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पहुंच के कितनी हो गई 0। तो जब ये बॉल नीचे आएगी दोबारा वापिस ठीक है, सपोज यहाँ पर से जब हमने इसको लॉन्च किया है तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 है, ये यहाँ पे कब आएगी 1 सेकंड में, ये यहाँ पे कब रहेगी 2 सेकंड में, यहाँ पे कब पहुंच जाएगी 3 सेकंड में, और फिर अब वापस नीचे आएगी और जिस पाथ से ये बॉल गई है उसी पाथ से नीचे आएगी, समझ गए। जिस पाथ से ये बॉल ऊपर जा रही है देखो ये उसी पाथ से क्या होती है नीचे आती, थोड़ा सा भी इधर उधर मत करना, अगर ऐसा कर दोगे तो ऐसी जाएगी, ये अलग डायरेक्शन हो गया। हम कैसा थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे सीधा है ना, जिस पाथ से जा रही उसी पाथ से क्या हो रही बॉल नीचे आ रही, समझ गया बेटा। अरे समझ गया कि नहीं। Yes, sir. हाँ तो यहाँ पे पहुंच के रुकी कितनी देर रुकेगी, यहाँ पे पहुंच के हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर रुकेगी यहाँ पर, 1 सेकंड थोड़ी रुकेगी रे, लेस देन अ सेकंड मोमेंट्री रुकेगी और तुरंत वापस, मोमेंट्री वर्ड हम लोग यहाँ पे बोलेंगे मोमेंट्री ठीक है, कितनी देर रुकती है मोमेंट्री मतलब समझ गए कि नहीं, मोमेंट्री कितनी देर रुकेगी ये मोमेंट्री रुकेगी इंस्टेंटेनियसली, ये सिर्फ इसी इंस्टेंट पे ये रुकेगी और फिर तुरंत वापस, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड लगेगा 2 सेकंड लगेगा ऐसा कुछ, इंस्टेंटेनियसली रुकेगी और फिर वापस। तो जब ये वापस आ रही है तो रिटर्न जर्नी में भी नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी अब 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड में 3 सेकंड में, अब यहाँ पे ये बॉल कब आ जाएगी फिर से 4 सेकंड में, फिर यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना हो जाएगा ये 5 सेकंड, और जब ये यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगी वापिस से तो फिर से जितनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है उतनी वेलोसिटी से, और ये टाइम हो जाएगा कितना 6 सेकंड, मतलब जाने का टाइम और वापस आने का टाइम कैसा लगेगा सेम। मतलब ये हुआ है कि यहां से अगर बॉल अब क्या हो रही है गिर रही है ना, ड्रॉप हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, ऐसे ही आएगी ये 0 से चालू हो रही है ना गिरना, 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, ऐसे ही आएगी। तो जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने पे लगा है उतना ही टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे बॉल को नीचे आने पे लग रहा है, समझ गया बेटा। जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने पे लगा है उतना ही टाइम बॉल को वापस क्या लग रहा है नीचे आने पे लग रहा है, समझ गए, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं। Yes, sir. जितना टाइम ऊपर जाने पे लगा उतना ही टाइम नीचे आने पे लग रहा बॉल, जितना टाइम ऊपर जाने पे उतना टाइम बॉल को नीचे आने पे। और एक और बात, 1 सेकंड बाद ऊपर की तरफ की वेलोसिटी 20 है, तो जब ये बॉल इसी पोजीशन पे है वापस आते टाइम तो नीचे के डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी होती है। तो ये सिमेट्रिसिटी होती है, इस सिमेट्रिसिटी को आपको याद रखना है। एक हाइट पे बॉल कितनी बार है, कोई भी एक हाइट अगर हम लोग कंसिडर कर लें, जैसे ये एक हाइट पे बॉल कितनी बार है, ये एक हाइट है एच, कोई भी हाइट ले लो, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे वापिस आते टाइम, सेम पोजीशन पे बॉल दो बार है, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार वापिस आते टाइम, समझ गए कि नहीं। सेम पोजीशन पे बॉल कितने बार दिख रही बेटा, एक बार ऊपर जाते टाइम और फिर वापिस आते टाइम, यहां पर भी दो बार है, यहां पर भी दो बार है, यहां पर सिर्फ एक बार,
टॉपमोस्ट पॉइंट पे है ना, यहां पर भी दो बार, एक बार ऊपर जाते टाइम एक बार नीचे आते टाइम। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट बोलो जल्दी से। नो सर। और जब हम लोग बॉल को, जब हम लोग बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो जैसे हमारे हाथ से बॉल रिलीज हो रही है उसके बाद इसमें कौन सी वेलोसिटी आ रही है? जैसे ये बॉल हमारे हाथ से रिलीज हुई इसके बाद जो एक्सीलरेशन है वो कौन सा वाला है? एक्सीलरेशन कौन सा वाला है? हाँ बेटा, हाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बदलेगा कि यही कांस्टेंट बना रहेगा? एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ना मैं दो पाथ बना देता हूँ समझाने के लिए, एक बार ऊपर जाने वाला और एक बार नीचे आने वाला। ये एक बार ऊपर जाने वाला पाथ है, है ना, एक बार ऊपर जाने वाला पाथ 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, v is 0, फिर यहां पे नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, फिर नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, और फिर नीचे की तरफ कितना 30 मीटर पर सेकंड। So what, ये दो पाथ मैंने बनाया, एक बार ऊपर जाने के एक बार नीचे आने के, बट अलग अलग हैं। लेकिन बॉल कैसी होती, ये दो पाथ फॉलो नहीं करती, इसी पाथ से जाएगी और इसी पाथ से क्या होगी वापस आएगी। तो आपको पहला डायग्राम ये वाला ड्रॉ करना है, दूसरा डायग्राम ये वाला ड्रॉ करना। मैंने इसको इधर और इसको इधर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब मैं इधर बनाता हूँ तो आपकी विजिबिलिटी खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं इसको बना देता तो फिर ये छुप जाता है, समझ गए? इसलिए मैं ऐसा बना के इधर लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझ गए? yes, है ना, विजिबिलिटी खत्म ना हो इसलिए मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे, इसको पहले नहीं इसके बाद ये वाला बनाना, इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने। ये एक ही पाथ है यहाँ पे। अच्छा, व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन? ऊपर जाते टाइम भी ग्रेविटी किधर लग रही इस पे? नीचे, नीचे की तरफ लग रही है ना। यहाँ पर भी जब वेलोसिटी जीरो तब भी उतनी ग्रेविटी है, वेलोसिटी जीरो है तब भी उतनी ग्रेविटी है, कोई भी केस हो। ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसा बनता है? नीचे की तरफ। तो बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसा है यहाँ पे? फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स है, समझ गए? ग्रेविटी का डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स है। क्लियर हो गया ये वर्टिकल प्रोजेक्शन में? अब बचा यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह लिखना, ठीक है, इक्वेशंस लिखना यहाँ पे बचा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाले डायरेक्शन को यहाँ पर, यहाँ पर के डायरेक्ट, यहाँ पर की वैल्यू को जीरो मान लेते हैं, यहाँ पर की वैल्यू को हम लोग कितना ले लेते हैं एक्स, और ये वाले टाइम को टी ले लेते हैं, और ये वाली वेलोसिटी को वी ले लेते हैं, और एक्सीलरेशन किसके बराबर है बेटा? जी के बराबर है। समझ गए कि नहीं? तो फिर से अब आपके पास में तीन इक्वेशन है यहाँ पे, डायग्राम उधर से बनाते हुए आपको इधर आके लिखना है। आपके पास में भी इक्वल्स टू क्या आएगी इक्वेशन? यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना आपको, पॉजिटिव डायरेक्शन किसको ले लें हम लोग? नाउ टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर का डायरेक्शन को क्या लेना हमको? पॉजिटिव लेना है। तो वैल्यू पुट करते बेटा यहाँ पे, v equals to u minus gt। अभी समझ गए माइनस जी क्यों लिखे हमने यहाँ पे? बोलो जल्दी से, माइनस जी क्यों लिखे, समझ गए कि नहीं? हेलो, माइनस जी क्यों लिखे, समझ गए या नहीं, जल्दी बोलो। नो सर। बेटा यहाँ पे हमने ऊपर का डायरेक्शन क्या ले लिया? पॉजिटिव। तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक्सीलरेशन किधर लग रहा पूरे मोशन में? डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड नेगेटिव। हाँ, अगर हम लोग वैल्यू पुट करने तो इट इज प्लस 30 माइनस ऑफ यहाँ पे जी की वैल्यू 10 इनटू टी। दोबारा माइनस 10 मत रखना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हो, इसलिए दोबारा मत रखना फिर, समझ गए कि नहीं? एक ही बार माइनस, या तो यहाँ पे आपने माइनस साइन ले लिया, दोबारा अब यहाँ पे नहीं लेना माइनस साइन, समझ गए? हाँ या ना जवाब देना।
या फिर इसको ऐसा, अगर आपको डेटा रखने में कंफ्यूजन है तो आप इसको रख दो प्लस 30 एंड प्लस ऑफ माइनस 10 इंटू टी, ठीक है, ये ऐसा भी चलेगा या ऐसा चलेगा। दूसरी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वाली, s इक्वल्स टू x, ये तो आप बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर x के बराबर हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये। या फिर x इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी यहाँ पे, प्लस 30 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस 10 इंटू कितना, टी स्क्वायर। समझ गया बेटा, समझ गया या नहीं? यस सर। हेलो, समझ गए? कोई डाउट अभी इसको? कोई डाउट इक्वेशन लिखने पे कोई डाउट? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो चाहो तो आप। तो x विल बी 30 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, और ये 30 माइनस टी, लेकिन ये तो हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिए थे 30, इसलिए लिखे। अगर यहाँ 30 की जगह 40 होता तो क्या करते बेटा, 30 की जगह 40 होता तो 40 लिखते, 20 रहता तो 20 लिखते, 10 रहता तो 10 लिखते, जो भी रहता है यहाँ पे। इसलिए आप इसको ध्यान रखो, उससे मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि जी यहाँ पे नीचे लग रहा है और हमने ऊपर का डायरेक्शन क्या माना है, यहाँ पे पॉजिटिव माना है। समझ गए, ऊपर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे, कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो अभी। नो सर। ठीक है, अभी नोट कर लो आप लोग, और नोट कर करने के बाद आप लीव कर। ऐसे क्वेश्चन जिनमें दोनों मोशन साइमल्टेनियसली, बॉल ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता बच्चों को कि सर ऊपर जाते टाइम हमने जी को नेगेटिव ले लिया, जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव ले ले कर, नहीं ऐसा नहीं। आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि हम यहां से ऊपर का जो डायरेक्शन होगा उसको पॉजिटिव, तो ऊपर जाते टाइम भी जी नेगेटिव रहेगा और नीचे आते टाइम भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन फिक्स कर दिया है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना कि सर ऊपर जाते टाइम माइनस ले ले और नीचे आते टाइम प्लस ले ले, ऐसा नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्शन असाइन कर दिया कि भाई यहां से ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, ये ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जो भी नीचे का डायरेक्शन लोगे वो सब कैसा बन जाएगा, आपका नेगेटिव बन जाएगा। अभी समझ गए? समझ गए क्या? Yes, okay. स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ।